ये देखिए कितना बढ़िया डेजर्ट तैयार हुआ है और एक बार तो बनाना इससे बनता है और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ भी आप भी अपने घर में बनाइए और देखते हैं हमने इसको किस तरीके से तैयार किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुचेता निगम अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो कस्टर्ड। तो देखते हैं उसके लिए क्या हमें करना है। सबसे पहले हमने ये 250 ml जो है हमने दूध लिया है, ये फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध है और इसमें हम डालेंगे ये हम दो टीस्पून जो हमारे पास सबके घर में होता है उसी टीस्पून से नाप के हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर और इसे हम ठंडा ही मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर को हमेशा ठंडे दूध में ही या रूम टेम्परेचर के दूध में ही मिक्स करें। आज हम इसे बिना शुगर के बना रहे हैं और इसकी जगह शुगर की जगह हम यहाँ पर ये शहद का यूज़ करेंगे। तो इसको हमें अच्छे से इसमें घोल लेना है दूध के साथ और जब ये अच्छे से घुल जाएगा तो हम इसे पकने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए कस्टर्ड बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है। गैस ऑन करते हैं और इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे और पकाते समय इसको हमें बराबर चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। इसे हम बराबर चलाते हुए अच्छे से इसको पकाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक सी रहे बिल्कुल। अभी 2 मिनट भी नहीं हुए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए थिक होने लग गई है, इस पर एक लेयर सी बनने लग गई है। देखिए अभी हम थोड़ा सा इसे और पकाएंगे और हमें ये सब जो पकाना है ये इससे लो फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पे या नहीं पकाएंगे, लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे जिससे ये अच्छी तरीके से पक जाएगा। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छे से थिक हो चुकी है और हम गैस को बंद कर देंगे। करना ये देखिए इसकी लेयर, देखिए एक लेयर अच्छे से आ चुकी है, इट मीन्स ये पक चुका है और हम गैस को बंद कर देते हैं। और ठंडा होने के लिए भी इसे एक साथ रखना नहीं है, इसे बीच बीच में चलाते रहना है। क्यों? क्योंकि जब ठंडा होगा ना तो इस पर एक लेयर सी जम जाती है, वो नहीं जमे इसलिए हम इसे बराबर चलाते रहें। ये कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब मैं इसमें मिलाऊंगी 2 चम्मच शहद। आप चाहें तो इसकी जगह शुगर भी मिला सकते हैं लेकिन मैं हेल्दी बना रही हूँ इसलिए मैं शहद का यूज़ कर रही हूँ। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया मैंगो डेजर्ट के लिए। और अब हमने यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं और इसको हम मिक्सी में दरदरा कर लेंगे या थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं आप चाहें तो। तो हमने यहाँ पर 7-8 ये बिस्किट लिए हैं, बिस्किट को हमने दरदरा कर लिया है और अब हम लेते हैं इसको डेकोरेट करने के लिए गिलास। तो हमने यहाँ पर इस टाइप के गिलास लिए हैं। अब सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी मैंगो प्यूरी, तो चम्मच से मैं इसमें मैंगो प्यूरी डालती हूँ। और इसको हम डालने के बाद क्या करेंगे, इसको स्प्रेड भी कर देना हमें, बराबर सी लेयर हमारी दिखाई दे इसके लिए हमें इसको स्प्रेड भी करना है। और अब हम इसमें डालेंगे एक एक लेयर, ये जो हमने दरदरा बिस्किट का पाउडर किया है इसकी भी हम लेयर इसमें डाल देंगे। ये इसलिए लेयर से सजा रहे हैं क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से हम तीनों ग्लास में ये लेयर भी इसमें लगा देंगे। और इस लेयर के बाद हम डालेंगे ये जो हमने कस्टर्ड तैयार किया है इसको भी हम इसमें डाल देंगे, इसकी भी लेयर हम बिछाएंगे ऐसी करके। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, तीनों लेयर बढ़िया सी हमारी लग रही हैं। इसी तरीके से हम इन दोनों ग्लास को भी डेकोरेट कर लेंगे। अब दोबारा से फिर हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। तो हम फिर वापस जो हैं
डालेंगे ये प्यूरी और इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। बिस्किट की लेयर को रिपीट करेंगे, लेकिन अब लेयर हमारी पतली रहेगी क्योंकि हमारा ग्लास जो है अप टू ब्रिम बिल्कुल ही भर जाएगा, इसलिए थोड़ी सी पतली लेयर हम लगाएंगे। अब सेकंड लेयर भी हमने बिस्किट की बिछा ली, अब ये फाइनल लेयर जो है ये फिर से हम इसके ऊपर कस्टर्ड की डालेंगे जिससे कि ये देखने में बहुत सुंदर सा लगे। हमने सब लेयर को अच्छे से इसमें ग्लासेस में अपने लगा लिया है और हम फाइनली इसमें डालते हैं ये अपने मैंगो के जो हमने क्यूब्स करके रखे हैं इनको भी हम इसमें डाल देंगे। ये क्विक बनने वाला डेजर्ट है और आम का सीज़न है तो ये रेसिपी बनाना बिल्कुल बनता है। और आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा क्योंकि देखने में ही सुंदर नहीं लगती, खाने में भी बहुत हेल्दी है क्योंकि हमने यहाँ पर शुगर का यूज़ नहीं करा है, हमने यहाँ पर शहद का यूज़ करा है। तो ये देखिए अच्छे से हमारा जो डेजर्ट है तैयार हो गया है और हम इसको गार्निश करेंगे। हमने यहाँ पर ये छोटा सा हमारे पास ये देखिए बहुत सुंदर लगे इसलिए हम इसको ले रहे हैं, ये प्लम है, इसके हमने पीसेस कर लिए हैं और इसको भी इसमें हम डेकोरेट कर देंगे। और करेंगे हमने यहाँ पे तुलसी पत्ते से हमने इसको डेकोरेट किया है, इसको भी हम इसमें लगा देंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी बनके हमारा तैयार होगा मैंगो कस्टर्ड डेजर्ट। तो तैयार है हमारा मैंगो कस्टर्ड डेजर्ट और बहुत ही क्विक रेसिपी है ये। और देखिए आप भी इसे घर में बनाइए, बहुत ही हेल्दी हमने इसको बनाया है। तो आप देख रहे हैं देखिए कितना बढ़िया अच्छे से, ये देखिए आप लेयर देखिए इसकी कितनी बढ़िया लग रही है। और आप भी बनाइए अपने घर में और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इसकी जो डेकोरेशन है ना वो बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए तो बच्चों को तो पसंद आने ही वाला है, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत।